बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है आज का, क्या आज ही पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं दोबारा पढ़ाने का मौका मिले ना मिले, लेकिन जो निडेरिया है हमारे फाइला में निडेरिया, उसकी एक करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, कौन सी करेक्टरिस्टिक है? पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, इसमें दो वर्ड है मेनली, कौन कौन से? एक पॉली, एक मॉर्फिज्म है। पॉली जो है अपना, पॉली का मतलब होता है मैनी, पता होगा पॉलीपेप्टाइड, तो ये पॉली और पॉलीसेक्राइड ये सब, तो पॉली का मतलब मेनली कंसिडर किया जाता है। और मॉर्फिज्म क्या है? मॉर्फिज्म का मतलब हो गया फॉर्म, मॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, यानी कि दोनों को अगर हम मिला के पढ़ते हैं क्या बन जाएगा? मैनी फॉर्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है अपने निडेरिया के अंदर है, निडेरिया की जो हमारी सब क्लास है हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ के अंदर है ये। भाई कुछ हाइड्रोजोआ के अंदर क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती है पॉलीमॉर्फिज्म की। इसमें क्या होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी? हाइड्रोजोन की। इनमें सम स्पीशी एग्जिस्ट इन द मोर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट। क्या मतलब हो गया भाई, एक से ज़्यादा एक ही एनिमल की एग्जिस्टेंस होगी। क्या कहते हैं, किसमें होगी, किस तरीके से डिफरेंट होंगे, किस डिफरेंट होंगे वो इस बेस पे, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे और क्या अपना फंक्शनली डिफरेंट होंगे। अच्छा, इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ, इसको क्या कहते हैं, हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन वर्क करते हैं फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जोइट्स। जोइट्स की अगर डेफिनेशन हम देखी जाए तो जोइट्स की डेफिनेशन हमारी बनती है द इंडिविजुअल ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड जोइट्स। क्या मतलब हो गया कि एक ही कॉलोनी में रहते हैं, अलग अलग एग्जिस्टिंग के साथ रहते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास जोइट्स की बेसिक डेफिनेशन आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है फाइसिलिया। फाइसिलिया में क्या होता है भाई, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी पाई जाती है, थ्री टाइप ऑफ जोइट्स पाए जाते हैं। थ्री टाइप ऑफ जोइट्स में कौन कौन से टाइप ऑफ जोइट्स पाए जाते हैं, और जो तीन टाइप के जोइट्स हैं इसमें तीनों के अलग अलग अपना क्या है, फंक्शन है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से जोइट्स पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं गैस्ट्रोजोइट। गैस्ट्रोजोइट बेसिकली फंक्शन क्या करते हैं, इनका काम होता है खाना पीना। खाना पीने का मतलब क्या, फीडिंग जोइट्स हैं तरीके से ये। अब हम दूसरा जोइट जो हमारा कौन से, गोनोजोइट्स। गोनोजोइट क्या है, मतलब ये अपनी जनरेशन बढ़ाने में काम आता है, रिप्रोडक्टिव जोइट्स से। क्या मतलब है कि ये जैसे हमारे पास निडेरिया है, निडेरिया में हमारे पास एक आगे चल के एक वो आती है करेक्टरिस्टिक, उसको हम कहते हैं अल्लाह वाला करके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो टेक्निक है जिसके ज़रिए से अपनी ये जनरेशन टू जनरेशन आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो गोनोजोइट है ये मेन फंक्शन अदा करते हैं किसका, रिप्रोडक्शन का। अच्छा भाई, तीसरा जो हमारे पास डैक्टिलोजोइट, डैक्टिलोजोइट्स हैं सेंसरी जोइट्स हैं, सेंस का करते हैं, मतलब किस एनिमल को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, कौन गरीब से गुजर रहा है, कौन गरीब से नहीं गुजर रहा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपना अल्लाह वाला करके डैक्टिलोजोइट्स।